हेलो बच्चों, जय हिंद। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ एक टीचर हूं जिसने खुद सैनिक स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि सैनिक स्कूल का खाना कैसा होता है। और जो फूडी बच्चे हैं जिनको खाने का बहुत शौक है, वो जान लो कि सैनिक स्कूल का खाना कैसा है, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या आप सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो या नहीं। क्योंकि 7 साल वहीं का खाना खाना है, दिन रात वहीं का खाना खाना है। तो खाना कैसा होता है, क्या क्या मिलता है, सारी डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो पे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में लास्ट तक एंड तक वीडियो पे जुड़े रहना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको फौजी बैच के बारे में बताऊंगा जिसमें आपका सैनिक स्कूल 2023 में सिलेक्शन गारंटीड हम करने वाले हैं, मैं और सौरभ सर। तो मैं फटाफट से शुरू करता हूं वीडियो और आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या खाने को मिलता है सैनिक स्कूल में। देखो, सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट बात है कि सैनिक स्कूल्स अलग अलग एरियाज में है पूरे कंट्री में। ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया में कोरुकोंडा सैनिक स्कूल तक, बीच में मिडिल में सैनिक स्कूल रीवा, सैनिक स्कूल अंबिकापुर है, और ईस्ट में असम में सैनिक स्कूल है। उसी तरीके से राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर भी अलग अलग सैनिक स्कूल्स हैं। और क्योंकि हर एक स्टेट का अपना खुद का खाने का एक ट्रेंड होता है, स्पेशल फूड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में आपको फाफड़ा मिल जाएगा, और साउथ इंडिया में आपको डोसा या इडली बहुत मिलेगा, और हमारे इंडिया अभी नॉर्थ बीच में मिडिल इंडिया में देखें, अगर सेंट्रल इंडिया में देखें तो आपको चावल बहुत मिलता है। छत्तीसगढ़ में फॉर एग्जांपल चावल बहुत मिलता है, बिहार वगैरह में रोटी खाई जाती है, दाल बाटी खाई जाती है। तो इन सब अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग सैनिक स्कूल्स में खाने तो अलग अलग है। ठीक है, वो समझ आ गया कि भैया अपने स्टेट के हिसाब से अपना अपना खाने का तरीका है, अपना अपना है। पर कुछ कॉमन चीजें मैं बता देता हूँ स्पेशली अबाउट द सेंट्रल इंडिया, और जो कॉमन चीजें जो ऑलमोस्ट हर सैनिक स्कूल में मिलती है वो बताता हूँ, और फिर ये भी बताऊंगा कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर में क्या क्या मिलता था हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी डे यू विल गेट मिल्क टू ड्रिंक, एक गिलास दूध हर सैनिक स्कूल में कंपलसरी है बच्चों के लिए, डेली मिलता है ब्रेकफास्ट में। पूरा का पूरा एक रूटीन बना रखा होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करते हुए संडे तक हर दिन अलग अलग खाना अलग अलग टाइम पे मिलता है, और वो इतना अच्छा होता है, टेस्टी होता है। अब देखो, मेरे को नहीं पता टेस्टी एक्चुअल में है या हम इतनी मेहनत करते हैं वहां पर कि इतना भूख लगता है कि वो टेस्टी लगने लगता है, बट यार मजा आ जाता है खाने में। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में आपको किसी दिन छोले भटूरे मिलेंगे, नाइस, किसी दिन आपको ब्रेड ऑमलेट मिलेगा, किसी दिन आपको फ्रूट्स के साथ ब्रेड मिलेगा, किसी दिन आपको पूड़ी सब्जी मिलेगी, किसी दिन आपको इडली मिलेगा, किसी दिन आपको पोहा मिलेगा। इस तरीके से वैरायटी वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट में सैनिक स्कूल में, और मिल्क कंपलसरी है, ऑलमोस्ट हर दिन आपको एक गिलास दूध मिलता है। फिर लंच के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक लंच तो मजा आ जाए खाने में, है ना। तो लंच के बारे में बात करते हैं। लंच में आपको, मेरे स्कूल में तो सैनिक स्कूल में राजमा मिलता था लंच में एक दिन, और रायता के साथ, आहा क्या बात, मतलब इतना स्वादिष्ट कि मैं क्या बताऊं, लाइक मैं तो पूरा टेबल खा जाऊं ऐसी इच्छा आती थी, इतना टेस्टी लगता था। तो सैनिक स्कूल में राजमा मिलता है, रायता मिलता था लंच के टाइमिंग पे, किसी दिन कोफ्ता, किसी दिन पनीर। नॉनवेज वालों को हफ्ते में 2-3, किसी किसी सैनिक स्कूल में तो 4 दिन भी नॉनवेज प्रोवाइड किया जाता है, चिकन। और अगर आप इधर उड़ीसा वगैरह वाले सैनिक स्कूल में जाओगे या ऐसे सैनिक स्कूल में जाओगे जो ना समुद्र से सटे हुए स्टेट में है, तो वहां पर आपको फिश भी अवेलेबल होता है, संडे या सैटरडे को आपको फिश भी दिया जाता है। चिकन वगैरह तो बता ही दिया मैंने। तो लंच में ऐसा है कि वैरायटी है कि सब्जी में आपको कभी आलू की सब्जी, कभी भिंडी मिल गया, कभी पनीर मिल गया, कभी कोफ्ता मिल गया, ऐसा करते हुए बहुत वैरायटी ऑफ सब्जियां मिलती हैं। और ऑफकोर्स सलाद तो मिलता ही, सलाद भी कंपलसरी है वहां पर लंच टाइम पे। खीरा मिलेगा, प्याज मिलेगा, मूली मिलेगा, और कई कई सैनिक स्कूल में टमाटर भी अवेलेबल कराया जाता है। तो फिर उसके बाद आते हैं नीचे, लाइक नीचे इन द सेंस कि सुबह खाया ब्रेकफास्ट, फिर खाया लंच, अब आते हैं इवनिंग स्नैक पे। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको स्कूल में जब आप रहते हो तो आपको बीच में स्नैक्स मिलता है थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, क्योंकि भूख लगेगी ना, इतना लंबा क्लास रहेगा, लाइक आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, 2 बजे लंच है, तो बीच में तो भूख लगेगा ना, तो उस बीच में भूख आपका खत्म करने के लिए स्कूल वाले आपको कुछ स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं। उन स्नैक्स में मैं एग्जांपल देता हूं, आपको बिस्किट दे सकते हैं, वो मिक्सचर का पैकेट दे देते हैं, कभी कभार पेटीज दे देते हैं, कभी कभार पेस्ट्री दे देते हैं, कभी कभार मेंदू बड़ा दे देते हैं, कभी कभार इडली दे देते हैं। वो डिपेंड करता है वो कौन से इलाके में है, उस हिसाब से आपको दे दिया जाता है, कुछ ना कुछ टेस्टी दिया जाता है, इतना गारंटी दे रहा हूं मैं। फिर आता है टाइम शाम के स्नैक का, लाइक स्पोर्ट्स आप खेल के आए, थक विदा के आए, और अब आपको भूख लग रही है, अब आप क्या खाओगे, क्योंकि डिनर तो अब सीधा 8-8:30 बजे होगा, आप स्पोर्ट्स खेल के 5:30 बजे आ गए हो, भूख तो लग रही है, तो उस टाइम पर स्नैक्स मिलता है, साथ में आपको चाय मिलता है, टी इज कंपलसरी, वो मिलता है, आपकी चॉइस, आपको पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो।
उस टाइम पे आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है पेटीज, आपको मिलता है पेस्ट्री, आपको कभी कभार चाउमीन मिलता है, किसी दिन पास्ता मिलता है, किसी दिन मैगी मिलता है, और इस तरीके से वैरायटी ऑफ फूड्स जो टेस्टी टेस्टी फूड्स होते हैं वो स्नैक्स में मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर इतना वैरायटी, इतना टेस्टी फास्ट फूड दे रहे तो क्या बच्चों की बॉडी बन जाती है? अरे इतना मेहनत करते हैं हम वहां पर सैनिक स्कूल में कि चाउमीन खाएं चाहे मैगी खाएं सब पच जाता है और बॉडी बन ही जाती है मेरी, देख लो। अब मैं तो अभी कितने दिन से मैंने मेहनत नहीं करा, कितने साल हो गए जिम जाए हुए या मेहनत किए। मेरे सारे फ्रेंड्स जो अभी आर्मी में हैं या नेवी में हैं, कुछ हैं जो लेफ्टिनेंट हैं, कुछ हैं जो अभी कैप्टन बन जाएंगे, कुछ एयरफोर्स में पायलट हैं, एवरीवन हैज अ वेरी गुड फिजिक, क्योंकि उस सैनिक स्कूल में इतना मेहनत किया था हमने कि बॉडी बहुत अच्छी बनी थी। अब लास्ट पे आते हैं सबसे मजेदार और सबसे आखिरी मील ऑफ द डे, डिनर। क्यों? क्योंकि डिनर खाने के बाद ही तो नींद आएगी, आराम से सोएंगे। तो डिनर में क्या क्या मिलता है? डिनर इज वेरी नाइस। डिनर में आपको किसी दिन बिरयानी मिलता है, नॉनवेज को चिकन बिरयानी, और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए अलग अलग ग्रुप रहता है, टेबल बटे होते हैं, नॉनवेज वाला टेबल अलग और वेजिटेरियंस का टेबल अलग रहता है। एक टेबल में लगभग 10 लोग बैठते हैं आगे आमने सामने, 5 इधर 5 उधर, और वो लोग खाना खाते हैं। तो जिस दिन नॉनवेज को नॉनवेज को बिरयानी मिल रही है उस दिन वेजिटेरियंस को पुलाव मिल जाएगा। उसी तरीके से आपको डिनर में किसी किसी दिन एग करी मिलता है तो वेजिटेरियंस को उस टाइम पे कोफ्ता मिल जाएगा। किसी दिन आपको चिकन मिल रहा है तो उनको पनीर मिल जाएगा। इस तरीके से वैरायटी ऑफ दी फूड्स रात को भी मिलते हैं और बहुत टेस्टी, हर दिन अलग अलग मिलता है। और इवनिंग में भी अगर आप डिमांड करते हैं तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा सलाद, दोपहर में तो गारंटेड सलाद मिलता ही है। और कई बार ऐसा होता है कि शाम को इवनिंग में पराठा मिलता है या कभी पूड़ी मिलता है, इवन छोले भटूरे भी किसी किसी स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं डिनर के टाइम पे, और बहुत मजा आता है खाने में, बहुत स्वादिष्ट खाना होता है। तो मैं तो बोलूंगा मेहनत करके सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो, क्योंकि घर पे तो इतनी वैरायटी की खाना मिलेगी नहीं, क्योंकि मम्मी को आप बोलोगे मम्मी आज ये बना दो, चाउमीन बना दो, आज मैगी बना दो, आज ये बना दो, तो मम्मी कूट देगी अच्छे से। पर सैनिक स्कूल में रहोगे तो सब खाने को मिलेगा और बॉडी भी बनेगी, तो आप बीमार भी नहीं होगे। तो यहां तक ये मेरा इन्फॉर्मेशन था स्वाद के बारे में, सैनिक स्कूल के खाने के बारे में, क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल में पढ़ा हूं तो मैं बता सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि मजा तो बहुत आएगा वहां पर। तो सैनिक स्कूल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमने लॉन्च किया है 2023 यानी कि 2023 के लिए फौजी बैच। फौजी बैच का जो भी इंफॉर्मेशन है वो वीडियो में अवेलेबल है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं और उस कोर्स को, उस बैच को ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि आपका लाइव लेक्चर मिस मत हो। जो लाइव लेक्चर हम जूम पे लेंगे, जो गूगल मीट पे लेंगे, वो मिस ना हो पाए, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह तो आपका अवेलेबल रहेंगे। तो मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय हिंद।